अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सज्जाद अहमद मल्ला। जैसे कि आपने पहले भी हमारी वीडियोस देखे होंगे कि सेट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो हमारा पहला वीडियो था उसमें था सेट्स क्या होते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। इससे पहले भी हमने एम्प्टी सेट के बारे में बताया था, सिंगलटन सेट के बारे में बताया था, फाइनाइट सेट के बारे में बताया था और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया था। जो आज का टॉपिक है वो इक्वल सेट्स के बारे में है। हम किन सेट्स को इक्वल बोल सकते हैं? डिफाइन करने से पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई सेट है, सेट ए, उसमें मैंने एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3, 4 और कोई सेट बी है, इसमें जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं वो है 1, 2, 3, 4 और जो सेट बी है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 2, 1, 4, 3। देखिए इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो सेट ए है जो एलिमेंट्स यहां पे है 1, 2, 3, 4 और यहां पे भी जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। यहां पे भी 1, 2, 3, 4 है, यहां पे भी 1, 2, 3, 4 है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यहां पे ऑर्डर दिया गया है, यहां पे ऑर्डर में नहीं एलिमेंट्स नहीं रखे गए हैं, पर सेट्स में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। अगर कोई सेट, जो सेट्स हम लेते हैं अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, हम उन सेट्स को बोलते हैं कि ये इक्वल है। और कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल टू बी। क्या बताया मैंने? इन दो चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, हम उन सेट्स को बोलते हैं कि ये सेट इक्वल है, ये सेट इक्वल है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई ए सेट है, ए के है, दूसरा सेट ये है। देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पे क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। पहली कंडीशन। अब दूसरी, दूसरे में क्या है, यहां पे ई है, यहां पे भी ई है, यहां पे एच है, यहां पे भी एच है, यहां पे ए है, यहां पे भी ए है, यहां पे आर है, यहां पे भी आर है, यहां पे टी है, यहां पे टी है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। क्या है? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। तो दोनों ही कंडीशन चेक पे होगी, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, दूसरी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। यहां पे भी हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, और जैसे कि यहां पे मैंने लिखा था। अब अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? एक डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल सेट्स हैव exactly same elements। एक डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं जो इक्वल सेट से इनके एलिमेंट सेम होते हैं, और दूसरा, और हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज इक्वल टू बी। क्या इक्वल सेट्स आर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स? ये जो वाली डेफिनेशन है। दूसरी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए,
अगर हर कोई एलिमेंट सेट ए का इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो सेट बी का एलिमेंट भी हो, देन ए इज इक्वल टू बी. अब क्या है यहां पे, ऊपर से रब करता हूं, और एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज कि मैंने कोई सेट लिया 1 2 3 और दूसरा कोई सेट है 1 2 3 3. अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, यहां पे भी क्या है 1 2 2 3 3. यहां पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहां पे 3 है, और जैसे आप यहां पे देख रहे हो आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है. अब हम इन सेट्स को इक्वल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे. देखिए, हमने लिखा है कि ए इज इक्वल टू बी, क्यों? बिकॉज, क्यों ये इक्वल है कि अगर हम देखेंगे कि ए सेट डज नॉट चेंज इफ इट्स एलिमेंट्स आर रिपीटेड. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेट में एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट दो बार लिखा गया है, उसको हम एक ही बार कंसिडर करते हैं. दैट इज वाई ए इज इक्वल टू बी. तो ये हमारा टॉपिक था इक्वल सेट्स के बारे में. जो हमारा दूसरा वीडियो होगा इंशाल्लाह वो इक्वल सेट्स के बारे में होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए. मगर उससे पहले Stay at home. Save life. Thank you. All the best.